त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज आज से शुरू हो गया है, जिसके चलते प्रयागराज में पहले चरण की वोटिंग में साफ तौर से देखा गया, जिसमें प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच वोटिंग करने के लिए हड़कंप सी मच गई है। पंचायत चुनाव के लिए लगभग 5202 बूथों में प्रत्याशियों का भविष्य मतपेटियों में बंद होगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा काफी व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती दिखी। सरकारी अमले की अव्यवस्था व्याप्त होने के बावजूद भी मतदान करने के लिए ग्रामीणों में अच्छा खासा जोश देखने को मिला, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पूरे जोशो खरोश के साथ मतदान किया। दोपहर 11 बजे तक लगभग 35% मतदान हो चुका है, और अगर भीड़ का जायजा लिया जाए तो संभावना 80-85% तक की मतदान की संभावना है। इस विषय में पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। लगभग 35% बूथ पूर्ण रूप से आदर्श बूथ के रूप में देखा जा रहा है, वहीं 15% बूथ अति संवेदनशील रूप में देखा जा रहा है, इसलिए वहां पर सशस्त्र बलों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। लोगों के बीच प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अनिवार्य रूप से मास्क लाने के लिए प्रेरित किया जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के बीच किसी प्रकार की कोई कोरोना संक्रमण का डर नहीं दिखा। गर्मी के कारण लोग जल्द से जल्द अपना मतदान कर देना चाहते हैं, इसलिए कुछ कारण ये भी है कि लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। प्रयागराज से SPN के लिए आमिर की रिपोर्ट। आज प्रयागराज जनपद के 5202 बूथ पर पोलिंग का कार्य चल रहा है। इसमें कल ही रात्रि तक सभी पोलिंग पार्टियां भेज दी गई थी। हर पोलिंग पार्टी के साथ तो एक सशस्त्र गार्ड दी गई है, जिसमें 2 आरक्षी सशस्त्र हैं और इससे अधिक भी लाइन लगाने के लिए ऑक्सिलरी फोर्स दिया गया है। सुबह से ही आज लंबी कतारें सभी मतदान केंद्रों पर हैं। वहाँ हमने अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोई भी बिना मास्क धारण किए वहाँ पर ना आए, तो कमोवेश सभी जगह इसका पालन किया जा रहा है। हमारे पुलिसकर्मी हर जगह सतर्क हैं, सभी को कहा गया है कि वो स्वयं भी मास्क धारण करें तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, हाथों को धोना, उनको सैनिटाइज़र भी दिया गया है कि समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। जहाँ जहाँ हमने अभी तक पोलिंग सेंटर्स को विज़िट किया है, चाका ब्लॉक के कुछ सेंटर्स मैंने व्यक्तिगत रूप से देखे, बाकी हमारे अधिकारी जो जोनल पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, क्लस्टर मोबाइल, ये लगातार भ्रमणशील हैं, कहीं से भी कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है। और जो भी मतदान के लिए व्यक्ति जा रहे हैं उनको मदद की जा रही है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अपंग लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग से लाइन और उनको प्रेफरेंस देकर पहले वोटिंग करा दी जा रही है। जो संवेदनशील और संवेदनशील एरिया के लिए क्या करें, जो अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्र हैं वो लगभग 15% बूथ हमने आइडेंटिफाई किए थे, उन सभी पर सशस्त्र पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और अधिकांश स्थानों पर हमने सब इंस्पेक्टर्स की वहाँ पर व्यवस्था की है। साथ ही हमने जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट और अपने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वहाँ जल्दी वहाँ पर जाते रहें, हर थोड़े से समय के अंतराल पर लगातार गाड़ी वहाँ पर कोई ना कोई पहुँचती रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मतदान प्रभावित करने की कोशिश करता नजर आए तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाए। आपकी कोविड सबसे बड़ी चुनौती, किस तरीके से चुनाव करा रहे हैं और क्या पालन करा रहे हैं लोगों को? कोविड के काफ़ी सारे केसेस आए हैं प्रयागराज में, इनको देखते हुए सभी की ब्रीफिंग की गई और लगातार PA सिस्टम के माध्यम से सभी से अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क धारण करें, फेस कवर लगा कर आएँ और वहाँ पर सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था की गई है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए कहीं भी भीड़ ना लगने दें, इसके लिए निरंतर हमारे द्वारा अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। अभी तक कहीं से कोई सूचना इस तरह की? अभी हमने जितने भी सेंटर्स विजिट किए हैं वहाँ कमोवेश इसका पालन किया जा रहा है, जहाँ जहाँ वो पालन करते नज़र नहीं आए उनको हिदायत दे दी गई, वहाँ पर सही कराया जा रहा है। जो व्यक्ति अनावश्यक पोलिंग सेंटर्स के आसपास घूमते पाए जा रहे हैं, संदिग्ध हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली जा रही है।